नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। कानपुर पुलिस ने लूट व हत्या की साजिश कर रहे दो लोगों को असलहों के साथ गिरफ्तार किया। कानपुर नगर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ एसएसपी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी पूर्वी श्री राजकुमार अग्रवाल और एएसपी सीओ कैंट सत्यजीत गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना चकेरी की टीम रात में क्षेत्र में फरार अभियुक्तों की दबिश के लिए चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि दो लोग पैदल बी ब्लॉक की ओर से अंधा मोड़ की ओर अवैध असलहा लेकर अपराध करने के इरादे से आ रहे हैं। सीओ कैंट सत्यजीत गुप्ता ने इस पर बताया कि इस सूचना पर विश्वास करके थाना चकेरी पुलिस की टीम अंधा मोड़ के पास गुमटी व दीवार की आड़ में खड़े हो गए, जहां से मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यही वो व्यक्ति है जिसके पास नाजायज तमंचा है और अपराध करने के इरादे से कहीं जा रहे हैं, जिन्हें दौड़ा कर घेर कर पकड़ लिया गया और नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई। तो एक ने अपना नाम जीशान खलील बताया, जो वहीं दूसरे ने अपना नाम अंकित गुप्ता बताया। दोनों ही व्यक्ति थाना चकेरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचे 315 बोर और साथ ही चार जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो पटेल नगर बाईपास के रहने वाले हैं और राजेंद्र गुप्ता के घर पर लूट व हत्या करने के इरादे से जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों को आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। कुछ व्यक्ति लूट और हत्या करने का प्लान बना रहे हैं। उस मुखबिर ने यह भी बताया कि मुझे पता है ये लोग कहाँ और किस समय मिलेंगे। उस सूचना पर थाने की फोर्स पहुंची मुखबिर के साथ। मुखबिर ने बताया कि फला फला जगह पे ये व्यक्ति हैं, उन्होंने इशारे से बताया। पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई, उसमें से एक व्यक्ति अंकित है, दूसरा व्यक्ति जिशान है। जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो अंकित ने बताया कि इसके जो मौसा हैं वो पिछले साल ही एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। उनके पास घर में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए हैं, जिसको ये लोग प्लान कर रहे थे लूट करने की। कानपुर से आलिशान खान की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।